प्रदेश के ऐतिहासिक मेलों में शुमार श्री नवग्रह मेला इस साल 132वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। मेले में दुकानें आवंटन से पहले शुक्रवार को लेआउट डाला गया। सुबह करीब 11 बजे SDM भास्कर गाचले, नगरपालिका CMO MR नेगवाल सहित राजस्व अधिकारी एवं महिला सभा पदाधिकारी मेला मैदान पहुंचे। यहां बदलाव के बाद तैयार किए गए नक्शे का अफसरों ने निरीक्षण किया। इसके बाद लेआउट प्रक्रिया शुरू हुई। CMO नेगवाल ने बताया कि 10 फरवरी से मेले में दुकानें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। मेले में झूले, खान पान की होटलों के साथ ही अन्य मनोरंजन के साधनों सहित कुल 430 दुकानें लगाई जाएगी। इस बार मेले में बदलाव किया गया है। इस बार मेले में दुकानें पूर्व पश्चिम दिशा में लगाई जाएगी। मेले में आने वाले लोगों को हर ब्लॉक में जाने में भी आसानी होगी। CMO के मुताबिक मेले में किसी तरह का मनोरंजन कर नहीं बढ़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मेले के संबंध में आज हमारी पूरे लेआउट दे रहे हैं इंजीनियर को, मैंने निर्देशित किया है। आज ही पूरा इसका मेले का लेआउट कम्प्लीट करा है और इसमें पूर्व अनुसार लगभग 450 दुकानें अलॉट होती है, तो उन्हीं के अनुरूप एक हमने ये प्लान किया कि मेले में कोई असुविधा न हो, आवागमन सुगम हो। इसके लिए हमने 3 प्रवेश द्वार बनाए हैं, फ्रंट में कलेक्टर ऑफिस के पास में, बीच में और लास्ट में जो पार्किंग एरिया, वहाँ पे भी हमने मूवमेंट के लिए 50 फीट के रोड दिए हैं ताकि मेले में किसी प्रकार की असुविधा ना। लेआउट में भी बदलाव किया है सर? लेआउट में भी बदलाव किया है। टोटल हमने 28 ब्लॉक बनाए हैं, वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग झूला जो हमारा उसमें ज़्यादा जगह कवर करता है उसको हमने पीछे के साइड में दिया है। फूड जोन भी हम अलग से ब्लॉक उसका बनाए हैं। इस प्रकार से मेले का स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। किराया वृद्धि होगी? किराया कुछ वृद्धि नहीं हुआ। परिषद निर्णय अनुसार पूर्व में जो 16 रुपये पर स्क्वायर फीट है वही हमने निर्धारित रखा हुआ है। लेआउट के बाद दुकानें लगना चालू हो जाएगी? हाँ, लेआउट जैसे ही होगा वैसे हम अलॉट कर देंगे दुकानदारों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।